कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर कि आप बहुत ही अमेजिंग होंगे। सो गाइज, आज के इस वीडियो के अंदर जो है मैं आप लोगों को बताने वाला हूं एफिलिएट मार्केटिंग के लिए। अगर आप लोग एफिलिएट मार्केटिंग से इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो कई बार जो है बहुत सारी चैलेंज हमें आते हैं स्टार्टिंग के अंदर, स्पेशली जो बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है क्योंकि उनको काफी ज्यादा नॉलेज नहीं होता है कि किस तरह से क्या क्या चीजें करी जाती हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप गूगल के नंबर वन पेज के ऊपर रैंक करवाना चाहते हैं तो कितना आसान है और कैसे आप लोगों को करना है। तो बेसिकली आर्टिकल लिखने से पहले ही हमें ये थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना होता है और चीजों को सर्च करना होता है, फाइंड आउट करना होता है कि कैसे क्या चीजें हम जो ऐसी करें जिससे कि हमारा जो आर्टिकल है वो बिल्कुल गूगल के नंबर वन रैंक के ऊपर आ जाए। और बहुत आसानी से ये चीज लाइव भी जा सकती है, लेकिन उसके लिए आपको जो है एसईओ का नॉलेज, ऑन पेज एसईओ वगैरह जो आने वाले वीडियो के अंदर डेफिनेटली मैं आपको कवर अप करके बताऊंगा, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि किस तरह से आपको जो है कीवर्ड का जो आपका कीवर्ड है उसको किस तरह से टारगेट करना है, चाहे वो लॉन्ग टेल कीवर्ड हो या शॉर्ट टेल कीवर्ड्स हो, कोई भी आपको करना है तो आपका जो तरीका है उसको फाइंड आउट करने का वो कैसा होना चाहिए। सो गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मंजीत डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। तो चलिए सीधे चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और वहीं चल के देखते हैं कि किस तरह से एफिलिएट मार्केटिंग के लिए जो है आपको कीवर्ड, चाहे वो शॉर्ट हो चाहे लॉन्ग टेल हो, किस तरह से आपको उसकी रिसर्च करनी है सो दैट कि आप गूगल के नंबर वन पेज पे रैंक कर सकें। सो गाइस, अगर आपने वीडियो यहां तक देख ली है तो एक रिक्वेस्ट की आप जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सके। तो चलिए चलते हैं। सो गाइस, हम आगे कंप्यूटर स्क्रीन पे, एज यू कैन सी यहां पे जो है हम चले गए गूगल पे। अब से फॉर एग्जांपल हम कुछ वॉशिंग मशीन की बात कर लेते हैं। वॉशिंग मशीन से जो है हम कुछ वॉशिंग मशीन के लिए एक कीवर्ड जो है वो लेना चाहते हैं क्योंकि हम उसी से रिलेटेड जो है काम करना चाहते हैं। सो बेसिकली बहुत ही आसान होता है चीजों को समझना और बहुत लोग क्या करते हैं कि यहां पर कीवर्ड रिसर्च करते हैं। से फॉर एग्जांपल बेस्ट वॉशिंग, ठीक है, वॉशिंग मशीन इन इंडिया, चलो ये कीवर्ड है हमारा। अब यहां पर इस कीवर्ड से रिलेटेड ये जो पहले आप देख पाने की ये पहले टॉप पे कैसे आ गया, राइट, इस ये टॉप पे कैसे आ रहे हैं क्योंकि इन्होंने जो है बहुत अच्छे से रिसर्च किया। अगर आप इसी कीवर्ड का इस्तेमाल करके वीडियो बनाओगे या आर्टिकल लिखोगे, क्योंकि ऑलरेडी गूगल के पास इतने सारे रैंक में आ रखे हैं, तो आपके लिए जो है थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा कि आप यहां पर जो है नंबर वन पे नहीं आ पाएंगे। तो अगर आपको नंबर वन पे आना है तो आप ऐसा क्या करेंगे कि यहां पे आपको आ सके। तो यहां पे जो भी आप कीवर्ड सर्च करेंगे, सबसे पहले तो आप देखो कोई भी कीवर्ड करो, उसके बाद यहां पे क्लिक करोगे तो ये आपको खुद ही सजेस्ट करेगा कि लोग क्या क्या सर्च करते हैं। और यहां पे साइड पे भी आपको कीवर्ड्स देखने को मिलते हैं कि आपको क्या लोग क्या सर्च करते हैं, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि लोग क्या सर्च करते हैं। और यहां पर अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे इसी के जो अपने कीवर्ड हमने रिसर्च करा है तो इसी के ऊपर जो है हम आगे आर्टिकल लिखना चाहते हैं, तो हमें यही मुझे कीवर्ड चाहिए, मुझे और कोई कीवर्ड नहीं चाहिए, मुझे यही चाहिए, तो उसके लिए अब जो है तरीका आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी। अब रिसर्च बहुत ही सिंपल सा है, कहीं पे जाके कोई टूल का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करने की, बस थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना है। अब वो दिमाग का इस्तेमाल आपको कैसे करना है तो चलिए मैं आपको बताता हूं। सो देखो, यहां पे सबसे पहले टॉप पेज की अगर बात करें तो यहां पे क्या लिख के आ रहा है, बेस्ट टॉप लोड वॉशिंग मशीन इन इंडिया। ये हमारा एक कीवर्ड नहीं है, बट स्टिल क्योंकि यहां पे बेस्ट वॉशिंग मशीन इन इंडिया, क्योंकि इसका जो टाइटल है उसके अंदर ये चीज लिखी गई है, इसलिए ये नंबर वन पे आ रहा है। तो यानी कि कीवर्ड जो है वो बिल्कुल यहां पे टाइटल के अंदर मैच कर रहा है। तो यहां पे दूसरा बेस्ट वॉशिंग मशीन इन इंडिया यहां पर इसमें भी मिल रहा है। अब ये जो वीडियोस आ रहे हैं इनके अंदर भी यहां पे देख सकते हैं बेस्ट फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन आ रहा है, बेस्ट फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन आ रहा है, राइट। तो ये जो तरीका है आपको भी कुछ इस तरह करना है। अब मैं चाहता हूं कि मुझे कुछ ऐसा कीवर्ड चाहिए जो कि टॉप पे आ सके। तो अभी जो है 2020 तो चला गया, 2021 आने वाला है, सो मैं वहां पे टारगेट करना चाहता हूं। अब अगर मैं इसको ऐसे क्लिक करता हूं तो यू कैन सी यहां पर बेस्ट वॉशिंग मशीन इन इंडिया 2021 एक कीवर्ड मुझे यहां पे दिख रहा है, यानी कि ये जो वेबसाइट है इन्होंने ऑलरेडी इस कीवर्ड के लिए ऑप्टिमाइज कर लिया है, राइट। इन्होंने ऑलरेडी इसके लिए अभी से देखो कितनी पहले से प्लानिंग हो जाती है। सो आपको भी जो है पहले से यहां पे प्रोएक्टिव रहना है अगर एफिलिएट के अंदर काम करना चाहते हैं, अपने ब्लॉग को अपने आर्टिकल को नंबर वन पे लाना चाहते हैं। अब नंबर वन पे लाना क्यों जरूरी है, क्योंकि यहां पे ट्रैफिक मिलेगा और ट्रैफिक मिलेगा बट ऑब्वियस आपकी सेल होगी और सेल होगी तो बट ऑब्वियस हमें कमीशन मिलेगा और कमीशन मिलेगा, यानी कि हमारे लिए जो मेन जो मकसद है वो हम यहां पे आ चुके। अब जो है हम यहां पे स्पेसिफिक इस वर्ड के लिए कोई कर रहा है कि नहीं कर रहा है
उसके लिए हमें चेक करना है। तो हम यहाँ पे लास्ट में डबल कोमा लगाएंगे और यहां पर भी जो है लगाने के बाद फ्रंट एंड बैक के अंदर जो है लगाने के बाद अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो है हमने बेस्ट वॉशिंग मशीन इन इंडिया 2021 किया, बट स्टिल यहां पर जो है रिजल्ट आपको काफी सारे देखने को मिल रहे हैं। तो यहां पर अगर मैं इनको ये जो मैंने लगाए हैं इनको अगर मैं हटाकर देखो, मैं यहां पे हटा देता हूं और फिर सर्च करता हूं, यहां पे ध्यान देना कि कितना आ रहा है, यहां पे 51,10,000 रिजल्ट आ रहे हैं। लेकिन जब मैंने स्पेसिफिकली इस कीवर्ड के लिए मैंने रिसर्च करा तो कितने रिजल्ट आ रहे हैं, तो यहां पे देखते हैं 501 रिजल्ट अभी भी आ रहे हैं, यानी कि 501 कीवर्ड्स जो हैं यहाँ पे अभी भी रैंक कर रहे हैं, चाहे वो प्रिंटरेस्ट पे हो। यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिन्होंने जो है इस कीवर्ड के लिए ऑलरेडी रैंक कर लिया है। अब आपको क्या करना है कि यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि आप जो है क्या करें ऐसा कि ये जो है आपके लिए बिल्कुल यूनिक हो जाए। तो यहां पे आप क्या कह सकते हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, अगर क्लिक करके देखें तो हम यहाँ पे सेमी और सेमी वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने उसके अंदर, या सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन कर सकते हैं, राइट। तो अब सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जो है 2021 के लिए कर लेते हैं, तो चलो इसको सर्च करके देखते हैं। तो यहां पे देख सकते हैं बेस्ट वॉशिंग मशीन इन इंडिया 2021 आ रहा है, राइट। लेकिन क्या ये वर्ड के लिए किसी ने अभी तक कोई आर्टिकल लिखा है कि नहीं लिखा है, एक बार अब कॉमर्स के अंदर डाल के देखते हैं। तो यहां पे देख सकते हैं यहां पे बेस्ट सेमी ऑटोमेटिक मशीन जो है 2021 इसके लिए भी आ रहे हैं, बट अब आप रिजल्ट देखेंगे कितने आ गए, यहां पे सिर्फ 112 रिजल्ट है, जिसमें से यहां पे जो है कुछ वीडियोस भी ऑलरेडी ये अपलोड हो चुके हैं और यहां पे कुछ आपके आर्टिकल्स भी आ चुके हैं। तो लेकिन अब जो रिजल्ट है वो बहुत कम हो चुके हैं, बहुत ही लिमिटेड हो चुके हैं। तो ये आपका तरीका है चीजों को फाइंड आउट करने का। सो हमारा जो मेन मकसद था, तो अभी हम यहाँ पे बेस्ट वॉशिंग मशीन कंपनी जो है देख लेते हैं। तो यहाँ पे 2021 की अगर बात सर्च करें तो यहां पर अभी देखते हैं, तो अब फिर वापस से यही नंबर वन पे आ रहा है। तो लेट्स सी स्पेसिफिकली इसके लिए कोई आपकी कीवर्ड जो है कोई आर्टिकल लिखा गया है कि नहीं लिखा गया। तो यू कैन सी बेस्ट वॉशिंग मशीन कंपनी 2021 और यहां पे क्या लिखा गया, नो रिजल्ट फाउंड, राइट। इस स्पेसिफिक कीवर्ड के लिए कोई भी रिजल्ट फाउंड नहीं हुआ है, बट इसके अलावा तो यहां पे बेस्ट वॉशिंग मशीन कंपनी 2021 विदाउट कोड जो है वो यहां पे कई सारे लिखे हुए हैं, यानी कि इसको बहुत सारी जगह पे आगे पीछे करके जो है इसका इस्तेमाल किया गया, जैसे कि वॉशिंग मशीन आ गया, बेस्ट वॉशिंग मशीन हो गया, तो उसकी वजह से ये रिजल्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर स्पेसिफिकली इस वर्ड के लिए बात करें तो ये जो है आपका यहां पर नहीं है, राइट। तो इसी तरह से जो है आप देख सकते हैं यहां पे लिखा गया नो रिजल्ट फाउंड फॉर ये। तो ये हमारे लिए एक ऐसा कीवर्ड हो गया जिसके लिए आपको जो है बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। अब क्योंकि आपने यहां पे थोड़ी सी मेहनत कर ली तो आपको अब पता चल गया कि ये एक ऐसा कीवर्ड है, चाहे वो शॉर्ट के अंदर हो या आपके लॉन्ग के अंदर हो, तो आपको एक स्पेसिफिक पता चल गया। आपको कोई बड़े बड़े टूल्स इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं अगर आप बिगनर्स हैं, तो ये एक बेस्ट तरीका है आप लोगों को करने का, क्योंकि ये सारी चीजें हमने भी बहुत स्टार्टिंग के अंदर करी हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप एडवांस होंगे तो आपको एडवांस टूल की भी इस्तेमाल करने पड़ते हैं ताकि आप चीजों को और ज्यादा बेहतर से एनालाइज कर सके। बट यहां पर ये देख सकते हैं हमने बहुत आसानी से आपके सामने हमने कुछ रिसर्च करी और रिसर्च करके कुछ यहाँ पे रिजल्ट लेकर आए कि जिसमें हमें यहाँ पे मिल गया नो रिजल्ट फाउंड फॉर स्पेसिफिकली दिस वर्ड। अगर आप इस वर्ड के लिए अगर आप कोई भी आर्टिकल लिखते हो, कुछ भी बनाते ब्लॉग लिखते हो, तो इन दैट केस डेफिनेटली अगर कोई भी इस कीवर्ड से सर्च करेगा तो फिर आपका जो है वो नंबर वन पे डेफिनेटली शो होने वाला है। लेकिन उसके लिए ऐसे ही नहीं आ जाएगा कि नंबर वन पे आपने सिर्फ ये ले लिया, यहां पे रिसर्च कर ली तो ये नंबर वन पे आ जाएगा। तो इसके साथ साथ आपको बहुत सारी और भी एक्टिविटीज करनी होती हैं। सो आई होप कि गाइस आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरह से कीवर्ड को रिसर्च करना है। अब इसके अलावा जो मैं चीजें बता रहा था कि आपको ऑन पेज एसईओ के ऊपर में आपका जो सर्च इंजन के साथ में किस तरह से आपको जो है एसईओ करना होता है ऑन पेज ऑफ पेज, तब तक जो है ये चीजें भी नंबर वन पे नहीं आती हैं, उसके लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन सबसे बड़ा जो पहला स्टेप होता है वो होता है हमारा कोई ऐसा स्पेसिफिक कीवर्ड जिसके लिए पहले से कोई भी जो है क्लेम नहीं कर रहा है। तो हमने यहां पे देखा कि कोई भी क्लेम नहीं कर रहा है, तो हमें वो चीज तो मिल गई। अब उसके बाद हमें थोड़ी सी मेहनत करनी है और जब मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली एफिलिएट मार्केटिंग से जो है हमें अच्छा खासा रेवेन्यू जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके लिए जो है धीरे धीरे आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आप लोगों को और स्टेप बाय स्टेप एनहेंस करूंगा, सो दैट कि आप भी
जो है अपना अगर करियर बनाना चाहते हैं, एफिलिएट से पैसा कमाना चाहते हैं और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं, तो आपके लिए भी बहुत आसानी हो जाएगी कि किस तरह से आपको जो है चीजों को एनालाइज करना होता है, किस तरह से एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर जो है आपको करियर में सक्सेस होना है। सो गाइज, आई होप की वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा उनसे रिक्वेस्ट करता हूं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन जो है आपको मिल पाए। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ।